नहीं बिल्कुल, हम लोग लिए गर्व की बात है। 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा है। 5 सांसद हम लोग लड़े, 5 के 5 जीते। आज तमाम सांसदों ने शपथ ली है और मजबूती से उनका साथ देने यहाँ पर मैं मेरा पूरा परिवार आया है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि सबको साथ लेकर काम करेंगे, विपक्ष को भी साथ में सम्मिलित करके काम करेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री जी की सोच समावेशी हमेशा से रही है, और ऐसे में मैं जानता हूँ विपक्ष की भी अपनी कई चिंताएं हैं कई विषयों को लेकर, और इन चिंताओं को भी पूरी तरीके से सम्मान दिया जाएगा। विपक्ष बार बार संविधान को लेकर बात कर रहा है, संविधान को लेकर आज प्रदर्शन भी कर रहा था, विपक्षों को लेकर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो जनता से जुड़े हुए विषय जरूर उठाने चाहिए, बट जो भ्रमित करने वाली बातें, जैसे चुनाव में भी जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी तरीके से। को लेकर विपक्ष चर्चा कर रहा था और मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हो, इस्तीफा दे, और जबकि नीट की कई सारी गिरफ्तारी। सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है इसमें जो भी दोषी हो, भले वो पेपर लीक हो या जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्रों में चिंताएं रही हैं, ऐसे में उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। सरकार गंभीरता से इस विषय को मॉनिटर कर रही है। कई जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों के हित में सही समय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। ये तमाम विषय सामने हैं, जांच के विषय हैं, और जो भी दोषी हो, जैसा मैंने कहा, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। नहीं बिल्कुल, हम लोग लिए गर्व की बात है। 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा है। 5 सांसद हम लोग लड़े, 5 के 5 जीते। आज तमाम सांसदों ने शपथ ली है और मजबूती से उनका साथ देने यहाँ पर मैं मेरा पूरा परिवार आया है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि सबको साथ लेकर काम करेंगे, विपक्ष को भी साथ में सम्मिलित करके काम करेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री जी की सोच समावेशी हमेशा से रही है, और ऐसे में मैं जानता हूँ विपक्ष की भी अपनी कई चिंताएं हैं कई विषयों को लेकर, और इन चिंताओं को भी पूरी तरीके से सम्मान दिया जाएगा। विपक्ष बार बार संविधान को लेकर बात कर रहा है, संविधान को लेकर आज प्रदर्शन भी कर रहा था, विपक्षों को लेकर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो जनता से जुड़े हुए विषय जरूर उठाने चाहिए, बट जो भ्रमित करने वाली बातें, जैसे चुनाव में भी जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी तरीके से। नीट को लेकर विपक्ष चर्चा कर रहा था और मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हो, इस्तीफा दे, और जबकि नीट की कई सारी गिरफ्तारी। सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है इसमें जो भी दोषी हो, भले वो पेपर लीक हो या जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्रों में चिंताएं रही हैं, ऐसे में उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। सरकार गंभीरता से इस विषय को मॉनिटर कर रही है। कई जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों के हित में सही समय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। गेस्ट हाउस से जिस तरह से परीक्षा के कर्मी थे वो रुके हुए थे, ये भी सामने बातें आ रही है। ये तमाम विषय सामने हैं, जांच के विषय हैं, और जो भी दोषी हो, जैसा मैंने कहा, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी।